अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, डीजे वाइस चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, अमनेस्टी के हवाले से दो बड़ी जमातों की जानिब से एक मुतालबे पर एतफाक़ राय देखने को मिल रहा है, जो कि अमनेस्टी के हवाले से बहुत बड़ी खबर है इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। तो फ्रेंड, ये जौन सी खबर आई है इसमें जौन सा है, गवर्नमेंट के नए मौक़िफ़ और नए प्लान के मुताबिक इन दो बड़ी जमातों ने अपनी एतफाक़ राय का इजहार किया है। तो फ्रेंड, इन दो जमातों की जानिब से किस बारे में एतफाक़ राय देखने को मिला है और ये दो जमातें अमनेस्टी के हवाले से कौन से प्लान को ज़्यादा तरजीह दे रही हैं और ये दो जमातें कौन सी हैं, आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बरवक्त पहुंचता रहे। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन और पहली अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपडेट यूं आई है कि ये दोनों जमातों का नाम है, तो सबसे पहले जो पार्टी है उसका मौक़िफ है, वो उस पार्टी का नाम है लेबर पार्टी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी पार्टी है इमिग्रेंट्स के हक़ में, जिन्होंने 2007 के अमनेस्टी प्लान, जब गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया बोरिस जॉनसन की जानिब से कि अगर किसी भी जमात का कोई भी एतफाक़ राय ना देखने को मिले तो हम फिर 2007 वाले अमनेस्टी प्लान को शामिल करेंगे, तो इस जानिब से लेबर पार्टी की जानिब से यही कहा गया है कि हमें 2007 वाले प्लान को जौन सा है अमनेस्टी के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड, लेबर पार्टी की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है जिसने 2007 वाले अमनेस्टी प्लान को तरजीह दी है और इनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन जो प्रीति पटेल का मुतालबा था कि हम सिर्फ होम ऑफिस के पास जौन से इलीगल इमिग्रेंट्स का डेटा है सिर्फ उसी के साथ हम जौन सा है अमनेस्टी को ओपन करेंगे और सिर्फ उन्हीं लोगों को देंगे, तो ये हरगिज़ गलत था और हम इस मुतालबे को हरगिज़ तस्लीम नहीं करेंगे और हम गवर्नमेंट के इस मुतालबे के साथ एग्री हैं जो कि 2007 वाला प्लान अमनेस्टी का है। अगर कोई भी पार्टी इस तरह के मौकफ यानी कि कोई भी एतफाक़ राय नहीं रखती है तो हमें 2007 वाले अमनेस्टी प्लान को तरजीह देनी चाहिए और उसके मुताबिक ही हमें आज 2021 में ये अमनेस्टी को ओपन कर देना चाहिए। और इसके अलावा फ्रेंड, जो दूसरी पार्टी है जिसका भी मुतालबा यही नज़र आ रहा है और जिसने भी यही मुतालबा रखा है, उस पार्टी का नाम है लिबरल पार्टी, जो कि इमिग्रेंट्स के हक़ में काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। और इस पार्टी की जानिब से भी जब बोरिस जॉनसन की जानिब से ये ऐलान किया गया कि हम 2007 वाले अमनेस्टी प्लान को शामिल करेंगे अगर कोई भी पार्टी नहीं मानती है, तो इस पार्टी की जानिब से भी यही मौक़िफ़ देखने को मिला और कहा गया है कि 2007 वाले अमनेस्टी प्लान को हमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि किसी भी पार्टी की कोई भी एतफाक़ राय देखने को नहीं मिल रहा है और हर पार्टी के अपने अपने मुतालबात और प्रीति पटेल के मुतालबात तो बहुत ही गलत दिखाई दे रहे हैं, जो कि अमनेस्टी के ख़िलाफ़ हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ही ख़राब मुतालबात हैं उनके हवाले से। तो फ्रेंड, इन दोनों पार्टी की जानिब से ये एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, जिन्होंने 2007 वाले अमनेस्टी प्लान के हवाले से एक मौक़िफ़ अपना सामने रखा है और गवर्नमेंट को कहा है कि हम 2007 वाले अमनेस्टी प्लान के साथ एग्री हैं। तो फ्रेंड, अब देखना यह है कि दो पार्टी जो कि बड़ी जमात हैं वो गवर्नमेंट के इस फैसले से एग्री हो गई हैं जो कि 2007 वाला प्लान है अमनेस्टी का। इसके अलावा अब दीगर पार्टीज़ की जानिब से क्या रद्द अमल निकल कर आता है, अगर दीगर पार्टी भी अमनेस्टी के 2007 वाले प्लान के साथ शामिल हो जाती हैं तो यकीनन फिर 2007 वाला अमनेस्टी प्लान 2021 में शामिल कर दिया जाएगा और अमनेस्टी को ओपन कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर तमाम तर जमातें एतफाक़ राय 2007 वाले अमनेस्टी प्लान पर कर देती हैं तो फिर गवर्नमेंट इसी 2007 वाले अमनेस्टी प्लान से अमनेस्टी को ओपन कर देंगे 2021 में, क्योंकि ये 2021 में ऑलरेडी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिल रहा है। एक तो वजह कोविड-19 की है और दूसरी वजह किसी भी सियासी पार्टी का एक राय पर इत्तेफाक़ राय नज़र नहीं आ रहा है, एक ये भी बहुत बड़ा मसला है। और एक और जानिब देखा जाए तो स्कॉटलैंड और यूके के हालात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं, जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बाइस बने हुए हैं। तो तमाम तर पार्टीज़ और जमातें जौन सी हैं उनके और इस हुकूमत के नज़रियात जौन से अभी देख
देखने को जो मिल रही हैं वो स्कॉटलैंड के हवाले से देखने को मिल रहे हैं, यानी कि स्कॉटलैंड की टेंशन परेशानी जो इस वक्त चल रही है यूके के साथ, उस पर तमाम तर नज़रियात गवर्नमेंट के देखने को मिल रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि हम 2007 वाले प्लान को शामिल करें एमनेस्टी के लिए। तो फ्रेंड अब देखना यह है कि आने वाले टाइम पीरियड में 2007 वाले प्लान पर अगर तमाम तर जमातें जौन सी है इतफाक राय रख देती हैं तो फिर 2007 वाला एमनेस्टी प्लान ही शामिल किया जाएगा। तो ये फ्रेंड अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि गवर्नमेंट की जानिब से क्या रद्द अमल निकल कर आता है और गवर्नमेंट का क्या फाइनली फैसला बनता है एमनेस्टी के हवाले से। तो जैसे ही मजीद और कोई अपडेट आती है एमनेस्टी के हवाले से वो भी आप लोगों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कर दी जाएगी। तो फ्रेंड ये चंद अहम तरीन अपडेट्स थी जो कि एमनेस्टी के हवाले से थी। तो फ्रेंड इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं वो भी आपको बताते हैं। तो फ्रेंड इसके अलावा खबर आई है कड़ी निगरानी के बावजूद हर माह 500 गैर कानूनी पनाह गजीन बरतानिया में दाखिल हो सकते हैं। ब्रिटिश होम ऑफिस की जानिब से पाबंदियां, कड़ी निगरानी और क्रैकडाउन के बावजूद रवा साल हर माह तकरीबन 500 के करीब गैर कानूनी महाजरीन बरतानिया में दाखिल हो सकते हैं। बरतानवी होम ऑफिस की तरफ से तनबिया किया गया है कि मोहतात अंदाजे के मुताबिक 500 के करीब गैर मुल्की गैर कानूनी पनाह गजीन हर माह बरतानिया में दाखिल हो सकते हैं। सेक्रेटरी दाखिला प्रीति पटेल गैर कानूनी महाजरीन का रास्ता रोकने के लिए आइंदा चंद हफ्तों में नए इकदाम का ऐलान कर सकती हैं। वो फ्रांस के साथ 30 मिलियन के मुआहदे पर भी इतफाक कर चुकी हैं जिसके तहत इंसमानी समगलरों और गैर कानूनी पनाह गजीनों की रोकथाम के लिए निज़ाम को मजीद मौसर और मोनिटरिंग सख्त की जाएगी। और इसके अलावा गैर कानूनी पनाह गजीनों का इस्तेसाल करने वाले जराइम पेशा ग्रोहों की रोकथाम के लिए भी इकदामात सख्त किए जा रहे हैं। बदतरीन मुजरमों के लिए उम्र कैद की सजा भी मुतारिफ करवाई जा सकती है। होम ऑफिस की तरफ से महाजरीन के लिए भी सोशल मीडिया के जरिए आगाही मुहिम चलाने के लिए माली अनात फराहम की जा रही है। महाजरीन को मतनबा किया जा रहा है कि अगर वो चैनल को गैर कानूनी तौर पर अबूर करने की कोशिश करते हैं तो इनके डूबने और जान से हाथ धोने के खतरात मौजूद हैं, वो ऐसा करने से गुरेज करें। वजीर आजम बोरिस जॉनसन की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि इंसानी स्मगलर्स और ठग लोगों की जिंदगियों को खतरात में डाल रहे हैं। फ्रांसीसी हाकम के साथ मिलकर गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। इंसानों की स्मगलिंग करने वाले किसी रियायत के मुस्तहकम नहीं हैं, उनसे निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। तो फ्रेंड ये चंद अहम तरीन अपडेट्स हैं जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास थी। फ्रेंड अब इसमें देखने को मिल रहा है कि मजीद बॉर्डर पर सख्ती की जाएगी जो लोग इंग्लिश चैनल को अबूर करके आ रहे हैं। और इस पर अब प्रीति पटेल और बोरिस जॉनसन का फ्रांसीसी हाकिम के साथ भी इनकी बातचीत चल रही है ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जौन सा है इस चीज़ को रोका जाए। तो फ्रेंड इस हवाले से मज़ीद जैसे ही और अपडेट आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो फ्रेंड अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर किसी का कोई सवाल है तो ज़रूर हमें कमेंट करके भी पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।